अदब नमस्कार सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज और NNTV। आप सभी का हमारे दोनों चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नागपुर की सरजमी पर खड़े हैं और एक ऐसी हस्ती के हम घर पर आए हैं जिनका नाम ही काफ़ी है, श्री जैन। श्री जैन जो अपने कामों से, अपने हुनर से जानी जाती है, लेकिन आज बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के बीच में उनका आना जाना लगा रहता है और वो खुद जिन सेलिब्रिटी के हाथ से अवार्ड लेते हैं वो सेलिब्रिटी खुद उनके सम्मान में उनकी तारीफ करती है। तो आइए, हम उन्हीं के कुछ स्टूडेंट हमारे बीच मौजूद है तो हम बात कराते हैं आपसे। आप सभी का TNA 24 और NNTV में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले हमारी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। मैम, ये बताइए कि जैसा श्री जैन एक आज हमारे नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर श्री जैन का नाम बहुत फेमस होता जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे श्री मैम के बारे में? श्री मैम की बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इनके क्लासेस भी बहुत अच्छे हैं। आप सभी लोग इन क्लासेस को ज्वाइन करिएगा, यही मेरी इच्छा है। आप क्या कहना चाहोगे? हमारे मैम तो इतने अच्छे हैं कि इतने फ्री से सिखाते हैं, यानी फ्रेंडली बोलो, बहन बन के बोलो, बहुत अच्छे से सिखाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं, समझाते हैं। कुछ नहीं डाउट भी रहा ना तो अपन आधे रात को भी कॉल किए ना तो भी वो अपने डाउट नहीं के क्लियर करके देते हैं मैम। बहुत हमें तो यहाँ पे ज्वाइन होके यानी क्लास करके बहुत अच्छा लगा। तो मैं सबको यही चाहती हूँ, यानी सब फ्रेंड को बोलती हूँ कि मैम के पास ज्वाइन हो, कुछ सीखने को मिलेगा। और हमें बस इतनी यानी इच्छा है मैडम के पास सीखने के। बहुत अच्छे यानी हमारे जो है, हम कभी घर में काम करते हैं, ये करते हैं, तो हमें कब बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। तो मैम हमको इतना इम्प्रूव करती है कि हमें यानी जहाँ नहीं हम जा पाते वहाँ भी हमें ले जाते हैं और हम हमारे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बस यही है, और सब लोगों ने यहाँ मैडम के पास आना चाहिए और यही क्लास सीखना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप क्या बोलना चाहेंगे? यू आर द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, और न्यू टेक्निक के साथ सीखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को, और नागपुर की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। जैसा कि श्री मैम के बारे में आप लोग इतना खुश है और इतने खुशी का इजहार आपके चेहरे से झलक रहा है। गुरु से ज्यादा है। वो तो आपकी चेहरे की खुशी बता रहे हैं। और यू आर द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन द नागपुर। मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है TNN 24 और NNTV में। थैंक यू। और कॉन्ग्रेचुलेशन मैम के अभी आप हाल ही के अंदर बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के हाथ से सम्मानित हुए, आपको अवार्ड मिला है मैम। और इसके पहले भी हमने देखा है कि कई अवार्डों से आप सम्मानित हुए हैं। तो मैम आप ये बताइए कि जब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ में आपको सम्मान मिला, अवार्ड मिला, तो आप कैसा फील कर रही थी वहाँ पर? बहुत अच्छा लगा मुझे कि ईशा कोप्पिकर मैम के हाथों मुझे सम्मानित किया गया बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट एंड इवेंट ऑर्गेनाइज़र। मुझे अवार्ड मिला इवेंट ऑर्गेनाइज़र का। मैं एक्चुअली एज अ मेकअप आर्टिस्ट हूँ लेकिन मुझे इवेंट ऑर्गेनाइज़र का भी टैग लगा है अभी। तो जनता से यही करना चाहूँगी कि थैंक यू जनता, कि आपने मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट के रूप में तो सराहा ही है कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र के रूप में भी आप मुझे सम्मानित कर रहे हो। थैंक यू नागपुर का, और थैंक यू ऑल ओवर इंडिया, महाराष्ट्र से सब मुझे आज बोल रहे कि श्रीदी अच्छा कर रही है। तो ये आप सभी का ही प्यार है जो मैं कुछ लाना चाहती हूँ, नए नए नागपुर में कुछ नया करना चाहती हूँ, ये सब आपके वजह से है। मैम हमने जैसे देखा कि लगातार आपकी एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं कि आपकी नागपुर में ही नहीं बल्कि नागपुर के बाहर और ज़्यादा बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर भी आपकी एक्टिविटीज़ हम नज़र रख रहे हैं आप पर, कि कहाँ कहाँ आपके क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं, कहाँ कहाँ आपके इवेंट है। तो हम जब भी देख रहे हैं आपके बड़े बड़े इवेंट हमें देखने में आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के साथ में आप नज़र आती है मैम। और आपने यहाँ पर नागपुर के अंदर भी एक बहुत अच्छा जो सेंट्रल इंडिया बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, उसको बहुत अच्छी तरह से प्ले किया है मैम। तो ये सारी चीज़ें आप इतनी कर रही है और इतने आगे बढ़ रही है मैम, तो आप आगे और क्या करना चाहोगे? आप तो इतने आगे बढ़ चुके हैं मैम। हाँ, मैं अच्छे से इवेंट कर चुकी हूँ, मेरा इवेंट सक्सेसफुल रहा, मैंने जनता का ख्याल रखा था कि मेरे इवेंट में कुछ प्रॉब्लम ना, और टच वुड कि मेरे इवेंट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। 480 की पब्लिक थी मेरे इस सेमिनार में, वर्कशॉप भी मेरा हिट गया और मास्टर क्लास भी मेरा हिट गया, सुपर डुपर हिट गया। और अभी जो मैं लेटेस्ट में लेके आ रही हूँ नागपुर में एक धमाका,
बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ईशा कोप्पिकर बॉलीवुड एक्ट्रेस, वो एक सोशल वर्कर है, बॉलीवुड अच्छी माँ है, बहुत अच्छी एक्टर है, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट है, और बॉलीवुड के अंदर मैम का, ईशा कोप्पिकर मैम का बहुत अच्छा नाम चल रहा है आज तक। जो आने वाला जो कोविड गया है तो वहाँ पे भी मैम ने बहुत अच्छा योगदान दिया, ईशा कोप्पिकर मैम ने बहुत अच्छा सोशल वर्किंग किया। तो मेरा एक ऐसा कहना था कि कुछ करना चाहिए, तो मैंने ईशा कोप्पिकर मैम को नागपुर में ला रही हूँ। नागपुर में अप्रैल में कमिंग सून में नागपुर का सेमिनार, उसके साथ में सर जिया सोसा मैम जो महाराष्ट्र की गुरु है, तो मैं उस गुरु को भी ला रही हूँ। मैम नागपुर में तो आ चुकी है, लेकिन नागपुर में महाराष्ट्र की गुरु माना जाता है, मैं उन्हीं को भी ला रही हूँ। वो मैम मेरे सेमिनार या मेरे इवेंट में, मेरे प्रोग्राम में जज के रूप में आ रही है। और भी कुछ नए नए धमाके और सरप्राइजेस हैं, तो अभी मैं एकदम से सरप्राइज नहीं खोलूँगी गाइस, लेकिन आपको जैसे जैसे मेरा ब्रोशर लॉन्च होते जाएगा वो आपको सरप्राइज मिलते रहेगा। मैम हमने जैसे देखा कि आपके साथ में जो आपके कंधे से कंधा मिला के चलते थे, आज वो वहीं रह गए और आप इतने आगे निकल गए, आप जमीन से आसमान पर उड़ने लगी, लेकिन आपका अंदाज, आपका बोलने का तरीका, आपका रहने का तरीका फिर भी नहीं बदला। वरना लोग थोड़ा सा भी अगर कामयाबी की सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो उनका एटीट्यूड ही कुछ और होता है। तो मैम ऐसा क्यों, आप में इतना बदलाव क्यों नहीं आया? नहीं सर, मैं बदलाव नहीं ला सकती, इंसान ने डाउन टू अर्थ जाना चाहिए, मैं बोलती हूँ, लेकिन मैं डाउन टू अर्थ ही गई हूँ, लेकिन मैं खुद को अपना अर्थ नहीं मानती, मैं डाउन पे हूँ। और आज मैं जहाँ पर भी हूँ, टचवुड, आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ में हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि आज मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, ये सब मेरा जो देख रहे हो मेरा मेरे हस्बैंड के वजह से है, धीरज जैन। और ये भी आने वाला जो मैं इवेंट कर रही हूँ तो उन्हीं के बदौलत है। आज पूरा मैनेजमेंट सर वही संभालते हैं, उन्हें सब कुछ इवेंट पूरा मैनेजमेंट वही करते हैं, और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आज मेरे से जुड़े हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आने वाले मेरे कमिंग सून इवेंट में। तो मैम जैसा हमने जब भी आपसे बात किया है आपके तरक्की के बारे में, कामयाबी के बारे में, तो आपने हर वक्त धीरज सर का ही जिक्र किया है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन के हम ये प्रे करेंगे कि हर पत्नी को धीरज सर जैसा पति मिले, क्योंकि आप इतना उनके बारे में तारीफ करते हैं, और हम धीरज सर से भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं, और रियल में धीरज सर भी काबिल तारीफ इंसान है, उनमें भी कोई एटीट्यूड नहीं, बड़ी सादगी के साथ में वो हम मीडिया वालों के स्वागत करते हैं, हमसे मिलते हैं, जिस तरह आप हमारा स्वागत करते हैं आप मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है सर, मैम के जैसा एक दूसरे के आप साथी बने हुए, जैसे कि रानी मुखर्जी और शाहरुख खान की जो जोड़ी थी उसी तरह सेम आपकी जोड़ी है। हाँ सर बोलते हैं, लेकिन सर कैसा ना, इंसान ने नहीं भूलना चाहिए, डाउन टू अर्थ मेरे अंदर में एटीट्यूड नहीं है, पता नहीं, मुझे बहुत जनों ने बोला कि मैम आपका स्वभाव नेचुरल है, बट मैं नेचुरली स्वभाव के साथ में आगे भी वैसे ही रहना चाहती हूँ, ना मैं कभी बदलूँगी, ना मुझे कोई बदल सकता है, ना मैं, मुझे बदलना ही नहीं है। मैं बच्चों के साथ में, आज मेरे स्टूडेंट के साथ में भी कभी टीचर जैसे नहीं रहती हूँ, एज अ फ्रेंड। हम घूमने जाएंगे, मस्ती करेंगे, बहुत फन करते हैं, फन करते करते ही सीखते हैं सर हम, और बच्चों को डरा के रखेंगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे, ये मेरा एक कहना है। अभी हमने आपके स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू लिया, उनसे हमने जानना चाहा कि ये श्री जैन वही है जो कुछ साल पहले थे, या अभी बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के साथ में जो अपने बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, तो श्री मैम में कुछ चेंजिंग आया क्या? लेकिन पता ही आपके स्टूडेंट से भी चला है कि नहीं, वो हमारी गुरु नहीं, वो हमारी भगवान है, यहाँ तक कि आपको भगवान का दर्जा देते हैं, आपको अपनी गुरु माँ मानते हैं, और आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने उनको कुछ गिफ्ट दिया और गिफ्ट बताया उन्होंने हमको, तो बहुत सी चीज़ें आपसे वो सीखना चाहते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि हम जो चीज़ सीखना नहीं चाहते, हम जहाँ जाना नहीं चाहते, श्री मैम हमको वहाँ पर मोटिवेशन करती है कि तुम यहाँ पर जाओ, यहाँ पर तुम्हारी तरक्की और कामयाबी है। तो मैम हम जानना चाहेंगे कि इतनी जो आप प्यार है, इतना हमदर्दी है, आपने जैसे बीच में बताया था कि मैं मिडिल क्लास के कुछ बच्चे हैं, उनको भी बहुत कम प्राइस में उनको सिखाऊंगी और उनकी लाइफ सेटल हो, ऐसे मुकाम पर लेके जाऊंगी। सही बात है सर, ये मेरे बच्चों का प्यार है मेरे लिए, और सच बात है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सर किसी के पास में नहीं होता। आज मेरे पास में जैसे एक छोटा सा गाँव है सेलू, हिंगनी, पालनदूर, राकनी, भंडारा, यहाँ से बच्चे सीख के गए हैं कम फीस में, और सच में मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कम फीस में आज मेरे बच्चे, सच में बताओ कि सर मेरे पास में जितने भी बच्चे हैं ना, मेरे बच्चे कहीं नहीं गए आज, मेरे बच्चे नो आपने, मेरे बच्चों ने अकेडमी डाल के भी दो भी स्टूडेंट को पढ़ा रहे, लेकिन खुद पढ़ा रहे सर,
कई मेरे बच्चे जाते ही नहीं, क्योंकि मैं उनको इतना यहाँ पे ही सिखा देती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि बच्चों को वहाँ जाके और पैसे खर्चा करना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि इतना सब मैं इसीलिए सिखाती हूँ कि नहीं, किसी के पास में नहीं होता है सर पैसा, 45,000, 40,000, 50,000 नहीं होता है तो नहीं दे पाते बच्चे, तो मैं इतना सिखाती हूँ, 2 मंथ सिखाती हूँ, मेरे पास में बच्चे रहते ही है सर, जाते ही नहीं है, मैं जाना छोड़ भी दूँ ना तो नहीं जाते सर, पता नहीं क्यों। जैसे कि आपके बच्चों ने बताया मैम कि हमारी जो श्री जैन मैम है, हमारी जो गुरु है, वो नागपुर की कोई नहीं मतलब देखना चाहते, वो आपके बच्चे ये देखना चाहते हैं कि नागपुर ही नहीं बाकी पूरी दुनिया की क्वीन बने श्री मैम। नहीं ऐसा नहीं है, क्वीन वगैरह नहीं, मैं जहाँ हूँ वही हूँ और श्री जैनी बन के रहना चाहती हूँ, क्वीन वगैरह नहीं, लेकिन बच्चों ने टैग दे दिया, अब मुझे कुछ नहीं बोलना है सर, बच्चों ने टैग दिया, थैंक यू मेरे सभी बच्चों को, अभी तक मेरे पास से जितने भी बच्चे सिक्के गए मैं उन्हीं को सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं का प्यार है सर कि आज श्री जैन खड़ी है। लेकिन मैम आप ये शायद आपको पता नहीं कि नागपुर में ही नहीं आपकी चर्चा हो रही, नागपुर के बाहर में भी बड़ी बड़ी सिटियों में आपकी चर्चा होती है, जब आप बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के साथ में दिखती है तो लोग पूछते हैं, और आपने नागपुर का नाम एक रोशन किया है अपने एक दम पर, अपने बलबूते पर, मैम तो आप कैसा फील कर रही हो? अच्छा लगता है सर कि बाहर के भी लोग मुझे चाहते हैं, और सही बात है, अकोला धुले मेरे जो सेमिनार में बाहर गाँव से बच्चे आए थे, जो भी सेमिनार देखने आए थे, आज भी उनका प्यार मेरे लिए वैसे ही है सर, और थैंक यू, उनका प्यार ऐसे ही मेरे लिए बना रहे। थैंक यू मैम, और हमारी टीम की ओर से धीरज सर को और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मैम कि आप इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हो, और आप और आगे बढ़े यही हम प्रे करते हैं मैम। तो साथियों ये थे हमारे साथ में नागपुर की जानी मानी हस्ती श्री जैन मैम, जो कि अपने हुनर का जादू नागपुर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनका जादू चल रहा है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, तो यही वो श्री जैन मैम है जो हर एक गरीब बच्चों को भी सिखाना चाहती है और उनको एक नया प्लेटफॉर्म देना चाहती है। तो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में, सच में आप बने रहिए, बहुत अच्छा चैनल है न्यूज़ 24 और NNTV, तो वॉचिंग न्यू NNTV एंड न्यूज़ 24 चैनल, बहुत अच्छा चैनल है, और थैंक यू अब्दुल सर, थैंक यू ऑल टीम कि आपने इतना मुझे सपोर्ट किया और आप मुझे इतना आगे बढ़ाने के लिए, सच में अब्दुल सर का भी मैं थैंक यू दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और थैंक यू NNTV 24 और NNTV, थैंक यू, थैंक यू। देन आपने स्टार्टिंग में सीखा था, या फिर आपने जब स्टार्टिंग में आप सीख रहे थे तो आपका मोटो क्या था कि आपको एक बड़े लेवल पे जाना है या फिर एक छोटे प्लेटफॉर्म पे आपको करना है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि मुझे क्या करना है, बस मैंने जो क्लासेस स्टार्ट किया तो मैंने यही सोचा कि ठीक है ना, अपने पास दो भी स्टूडेंट आए तो अपने को पढ़ाना है, तो मैंने मेरे पास में मैंने जब FB पे डाला था तो मेरे पास में 5 रजिस्ट्रेशन थे, ऐसे कर करके स्टार्टिंग मैंने किया तो मेरे 9 स्टूडेंट आए, 9 स्टूडेंट से फिर 15 स्टूडेंट हुए, 30 हुए, 40 हुए, ऐसे करते करते आज मेरा अचीवमेंट बहुत अच्छा है सर। आज आपके पास में कितने स्टूडेंट काम? आज मेरे पास में अभी न्यू बैच के 15 स्टूडेंट की बैच कम्प्लीट हो चुकी है, 15 स्टूडेंट हो चुके हैं। मैम आपकी फीस, जैसे किसी को अगर आपके पास में ब्यूटीशियन सीखना हो या फिर उसको आपके पास से मेक ओवर सीखना हो तो वो आपसे कैसे कोऑर्डिनेट करेगा? और एक सबसे बड़ी बात ये बता दो कि आप नागपुर में एक फिल्म एक्टर को लेके आ रहे हो, तो उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए। ओके, मुझे हाल ही में अहमदाबाद में ईशा कोप्पिकर के हाथों बेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइजर और बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड मिला है, तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो मैं कमिंग सुन में ईशा कोप्पिकर, बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर, और ईशा कोप्पिकर ने अच्छे सोशल वर्कर काम किए, बहुत अच्छा NGO चलाती है मैम, तो मैं उसी को ही नागपुर लेके आ रही हूँ, महाराष्ट्र की मुलगी बोला जाता है उनको, जिसे मराठी में बोलते कि आपल्या महाराष्ट्राच्या मुलीला आपण आणत आहो बॉलीवुड ॲक्ट्रेसमध्ये ईशा कोप्पिकरला, कमिंग सुन में मैं ला रही हूँ। क्या सोच के आप नागपुर में ईशा कोप्पिकर को लेके आ रहे हो, या फिर आपका कुछ मोटो है कि जो नागपुर में आप ईशा कोप्पिकर को लेके आ रहे हो? नहीं, मेरा ड्रीम था कि एक इवेंट तो मैंने बहुत अच्छा किया था, मेरा सेमिनार बहुत सक्सेसफुल रहा था, ग्रैंड सक्सेसफुल रहा था, तो मुझे ऐसा पब्लिक डिमांड थी कि श्री जैन मैम और कुछ करो ना, करो ना तो करो ना, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नया करते हैं, तो मेरा ड्रीम था, 2-3 महीने से मैंने सर्च कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जैसे ईशा कोप्पिकर मैम है जो बहुत अच्छी सोशल वर्क है, NGO चलाती है, कोविड में बहुत अच्छे उन्होंने काम किए है, तो क्यों ना अपन महाराष्ट्र के ही स्टार को लाए, तो मेरा मोटिव था, तो मेरा फेवरेट एक्टर है ईशा कोप्पिकर, इसलिए मैं ईशा कोप्पिकर मैम को नागपुर में ला रही हूँ।
मैम एक होता है कि जैसे हम छोटे से बड़े लेके थे, हम एक अपना ड्रीम को लेके चलते थे। बचपन से आपका वही एक ड्रीम था कि आपको ब्यूटिशियन में जाना है, ये इस प्लेटफॉर्म बड़े प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है, ये आपको कैसा आपके माइंड में थॉट आया करने का? मैंने नहीं सोचा था कि मैं आगे में मेरी क्या, मैंने भी फ्यूचर नहीं, अपन बोलते हैं अपन फ्यूचर नहीं देख सकते, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं क्या करने वाली हूँ। बस पहले मैं ग्राफिक डिजाइनर थी, मैंने ग्राफिक में प्रिंटिंग वर्क, हमारा प्रिंटिंग वर्क है, मैं ग्राफिक डिजाइनर थी। मुझे ब्यूटिशियन बनना बहुत पसंद था बचपन से, तो डांस भी करती थी मैं, मैंने मुझे जो अच्छा लगता था मैं वो फील्ड में आती थी। मतलब आपकी पहले से स्टार्टिंग से आपकी हॉबीज रही कि आप? हाँ, मुझे डांस करना बचपन से मुझे डांस करना बहुत पसंद था। एक्चुअली मैं मुझे ब्यूटिशियन का भी कोर्स करना पसंद था, मैंने कंप्यूटर किया, कंप्यूटर के बाद में मैंने ग्राफिक डिजाइनर जो प्रिंटिंग लाइन में, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी प्रिंटिंग हैंडल कर लो, तो मैंने प्रिंटिंग भी हैंडल किया, तो मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा चलो ब्यूटिशियन का कर लेते हैं, तो मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया 2012 में। तब जाके मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने वो छोड़ दिया, फिर मैंने प्रिंटिंग प्रेस पकड़ा। तो हमें ग्राफिक करती थी, यानी डिज़ाइन, वेडिंग कार्ड बनाना, ब्रोशर बैनर बनाना, ये काम करती थी। फिर किसी ने बोला कि चलो अपन मेकओवर में एंट्री मारते हैं। प्रिंटिंग से मेकअप मेकओवर में जाना, सो वेरी डिफरेंट मैम। यस, मुझे यानी बचपन से मुझे कुछ करने का लगाव था, मुझे डिफरेंट डिफरेंट कुछ करने की चाह थी। ऐसा नहीं कि मैं एक ही चीज को पकड़ के बैठनी हूँ, मैं हर कुछ नया नया करती थी, हर कुछ। मुझे सोशल वर्क करना बहुत पसंद है सबसे अच्छा। तो हम जो एरिया में रहते थे वो लोकल एरिया था, बट वो लोकल एरिया में भी मैं सोशल वर्क काम करती थी। मैंने ये कभी किसी को नहीं बताया बट मैं करती थी। किसी गरजू महिला को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो बचत गट चलाना, ये करना वो करना, मैं उनको हेल्प करना। हम 5-8-10 महिला लेके, ये आज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि मैं सोशल वर्क करती थी, लेकिन आज मैंने ये भी बता दिया कि मैं सोशल वर्क का भी करती। तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपने अपनी एक पुरानी बात निकाल के बताई है। यस, मैंने किया है मैम, 2007 से 2013 तक मैंने सोशल वर्क किया है। आगे कुछ आपका ड्रीम है कि कुछ नया कुछ करने वाली हो आप, या फिर इसी मेकओवर सेशन में आप बड़ा कुछ बड़ा धमाका करने वाले? नहीं, मैं बड़े जिसके बड़े लिए नागपुर इंडस्ट्री में जितने मेकओवर या फिर उनको टक्कर देने वाले हो, कैसे क्या रहेगा आपका? नहीं, मैं कंपटीशन नहीं खेल सकती मैम, किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, सब मेरे लिए अपने ही है। बट मुझे ड्रीम है कि मैं नया कुछ करूं, और नया कुछ करने के लिए लोगों को कुछ अच्छा करूं कि लोगों ने मुझे पसंद करना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरा एक इवेंट हिट गया तो मैं दूसरा भी अच्छा नहीं करूंगी, बस मुझे दूसरा भी अच्छा करना है, थर्ड भी खेलना है, लेकिन मैं किसी से कंपटीशन नहीं करती। मुझे बस अपने रास्ते से चलना है और मैं अपना सीधा रास्ते से ही चलूंगी। एक और बात मैं बोलना चाहूंगी, जैसे कोई नया स्टूडेंट है आपके पास में, वो आपसे मेक ओवर सीखना चाहता है, तो आपसे कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे और कैसे कैसा आपका यहाँ पे प्रोसेस होता है, वो हमारे डिटेल्स में बता दीजिए हमारे श्रोता को। मेरा FB इंस्टा पे पेज है श्रीजैन मेकओवर, और आपको मेरा नंबर वहीं से मिल जाएगा, हर जगह मेरा नंबर शो है। आप गूगल सर्च करो तो श्रीजैन मिल जाएगा। ट्विटर पे भी मेरा नंबर शो है, ट्विटर पे भी मेरा अकाउंट बना हुआ है। आप हर सोशल मीडिया से मेरा नंबर, मेरा एड्रेस और ले सकते हो। और कुछ हमारे दर्शकों को प्यारा मैसेज? हाँ, थैंक यू NNTV चैनल और News24 चैनल, सच में बहुत अच्छा ये चैनल है, क्योंकि ये चैनल से मुझे कुछ सीखने को मिला है। इन्होंने हर बार मेरा कुछ नया नया वीडियोस चैनल से इन्हें इंटरव्यू लिया है, जब भी लिया है तब मैं, मुझे ये चैनल ने कुछ नया दिया है। तो मैं चाहती हूँ दर्शकों को कि इस चैनल को फॉलो करो, टैग करो, और यूट्यूब पे भी इनका बहुत अच्छा चैनल है NNTV एंड News24 चैनल। तो जाइए पेज पे, जाइए यूट्यूब पे, जाइए और देखिए कितना अच्छा चैनल है। थैंक यू।